मध्य प्रदेश के सरकारी व निजी हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल 21 सितंबर से खुलेंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। वहीं राज्य स्कूल मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि पूर्ण रूप से अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, सिर्फ कुछ ही विद्यार्थियों को पालकों की अनुमति से शिक्षा संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जो स्कूल खुलेंगे उनमें प्रार्थना सभा और खेलकूद की गतिविधियां नहीं होंगी। विद्यार्थी अभिभावकों की अनुमति से स्कूल आएंगे और शपथ पत्र भी जमा कराना होगा। भारत सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग ने अपना निर्देश जारी किया है, सभी विद्यालयों को जारी किया है, सभी के लिए पब्लिश किया है। उसमें 21 तारीख से अभिभावक से अनुमति लेकर के बच्चे स्कूल में आ सकते हैं, शिक्षक से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, छोटे छोटे समूह में शिक्षक उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। अभी पूर्ण क्लास का निर्णय नहीं हुआ है। जो बच्चे आना चाहेंगे, स्वेच्छा से आना चाहेंगे, उनके माता पिता से लिखित अनुमति लेकर आएंगे, उन्हीं को ही ये व्यवस्था मिलेगी। क्योंकि अभी पूरे स्कूल खोलने के निर्देश नहीं है, लेकिन हम ऑनलाइन व्यवस्था में जो बहुत सारी दिक्कतें हैं उस दिक्कतों को समाप्त करते हुए कम से कम प्रत्येक अपने शिक्षक से, शिक्षकों को, सबको अपने स्कूल में उपस्थित रहना होगा और विद्यार्थी उनसे बातचीत करके ग्रुप में कौन से ग्रुप को कब आना, कौन से ग्रुप को कब आना वो करेंगे। उसके बाद में बैठने की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में हम प्राचार्य पर छोड़ रहे हैं। उनके स्कूल में यदि ऐसा लगता है कि हम 5 नियम 10 बिठा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, पूरे नियमों का पालन करते हुए, दूरी बनाते हुए यदि वो करते हैं तो वो अनुमति प्राचार्य के ऊपर रहेगी। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।